आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 37वां अध्याय वचन 1 से 14। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इसराइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है।